हेलो बच्चों, कल हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में देखा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, है ना, दोनों तरीके से कराओ, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो या आइसोथर्मल कंप्रेशन हो, दोनों के बारे में देखा। एक्सपेंशन भी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों तरीके से, और कंप्रेशन भी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों तरीके से, ठीक है। इन वीडियोस की प्लेलिस्ट में अगर किसी ने नहीं देखा है तो इससे पहले वाला जो वीडियो है तुम उसमें जाके देख सकते हो, ठीक है। इस चैप्टर की थियरी यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट फ्रॉम शिक्षामृतम.com, ठीक है, वहाँ पर ये थियरी काफ़ी हद तक तुमको मिल जाएगी, ठीक है। एंड कीप्स ऑन गेटिंग अपडेटेड, ठीक है ना, जैसे जैसे अच्छा मटीरियल मैं बनाता रहता हूँ या कहीं से मिलता रहता है तो मैं उसको अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। यू कैन गो देयर, यू कैन मेक योर लॉगिन आईडी कैसे बनानी है, तुम्हारा जो मोबाइल नंबर है उससे बनानी है और कुछ नहीं, ठीक है। एंड देन यू कैन विद दैट लॉगिन यू कैन रीड एवरीथिंग ऑन द वेबसाइट, ठीक है। उस पर तुम सारे वीडियोस देख सकते हो, साथ में तुम उससे रिलेटेड थ्योरी भी उसी वेबसाइट पे पढ़ सकते हो, और उसी वेबसाइट पे तुम ये इसके PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट भी उसी में होंगे, ऐसा असाइनमेंट भी उसी में होंगे, एवरीथिंग विल बी देयर। चलो जी, तो अलाउ फ्रॉम लाइक इन टुडेज क्लास लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट CP and CV, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इनके बारे में हम बात करेंगे। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट एंथैल्पी क्या होती है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर CP CV के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, ये सब चीज़ें होंगी। उसके बाद वी विल डिस्कस द एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, अब क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस में, देखो फर्स्ट लॉ के ऊपर ही सारा कुछ डिस्कशन हो रहा है। फर्स्ट लॉ में तीन क्वांटिटीज थी, ΔE Q एंड W, ठीक है। तो एक एक करके, जैसे हमने आइसोथर्मल में देखा उसमें ΔE 0 होता है, है ना, तो अगर तुम्हें Q कैलकुलेट करना है तो तुम W कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हें W पता है तो तुम्हें Q भी पता है, Q = -W या W = -Q, दोनों वे से ठीक है, सेम है। तो उसमें तुम्हें ये देखना होगा कि भाई अगर हम W कैलकुलेट कर पाए तो हम Q भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम वे हम एडियाबैटिक में देखेंगे, आइसोकोरिक आइसोबारिक में भी देखेंगे, ठीक है। ये जब कंप्लीट होगा देन वी विल मूव ऑन टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और एक जीरोथ लॉ भी होता है, ठीक है। जीरोथ लॉ बहुत ही बेसिक है इसलिए, लेकिन वो डिस्कवर बाद में होता, वो डिफाइन बाद में हुआ था, लेकिन उसे जीरोथ लॉ कहा क्योंकि वो बहुत ही बेसिक है, मतलब फर्स्ट से भी बेसिक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी बेसिक है, उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। कमिंग ऑन टू कैलकुलेशन ऑफ CP एंड CV, क्या है कैलकुलेशन ऑफ CP एंड CV। CP क्या है पहले बात देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज CP या CV कहते हैं पहले, CV की अगर मैं बात करूं तो CV क्या है, इट इज़ इक्वल टू मोलर हीट कैपेसिटी, कुछ लोग इसको स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी भी लिखते हैं, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है जी। एंड CP इज प्रेशर, ठीक है जी। मान लो फर्स्ट अगर हम कोई प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं, ठीक है, तो लिखो आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है जी। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो इसमें क्या है, इसमें सीधे सीधे तुम अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ, FLOT लगा लो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बेसिस पे क्या है, DE = DQ + DW, ठीक है जी। DW को क्या लिख सकता हूं मैं, आई कैन राइट इट एज DQ - PdV, PdV, क्लियर होगी बात, क्योंकि यहां पे DV जीरो है, सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, देयरफॉर DV विल बी इक्वल टू जीरो, है ना, देयरफॉर DE विल बी इक्वल टू DQ, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो मैं इसको इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, DE इज इक्वल टू DQ, लेकिन क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैं इसे इस तरीके से लिख दे रहा हूँ,
तो बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने डी की मतलब इसके हिसाब से डी को सो डी क्यू आना चाहिए, अग्रीड, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, इसलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया इसको, या फिर कहीं कहीं पे तुम इस तरीके से भी देखोगे इसको, यू विल सी इट लाइक दिस, ऐसे लिख लेते हैं, क्लियर होगी बात? ठीक है जी, ये तुम्हारा रिलेशनशिप होगी आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इससे हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी है, वो अगर हीट दोगे आप, अगर आप हीट दोगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, अगर आप हीट लोगे सिस्टम से तो एनर्जी घटेगी, है ना। इस चीज़ को भी लिख लो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम शब्दों में लिखो पूरा, कि व्हेन हीट गिवन टू सिस्टम डेल्टा ही इंक्रीजेस, व्हेन हीट टेकन फ्रॉम सिस्टम डेल्टा ई डिक्रीजेस। ठीक है, डेल्टा ई डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, कि यहाँ पर डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज करेगा और यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। आर वी क्लियर? ठीक है जी। नाउ देखो भाई, एक चीज़, इस चीज़ को यूज़ करके, ये तो हमने काइंड ऑफ कंक्लूड कर लिया, अब इस चीज़ को यूज़ करते हुए हम यह यूँ कह सकते हैं हम कि डी क्यू, अगर तुम्हें याद होगा, या तुम्हें याद होगा ये कि Q was equals to एन सी वी डेल्टा टी, याद है हमने कैलकुलेट किया था क्यू वी, या Q equals to एन सी डेल्टा टी था, ये याद है कि नहीं है? अगर मैं इसी को कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिख दूँ, मतलब इसको मैं ऐसे लिख दूँ, तो क्या हम ये लिख सकते हैं, है ना, इसको, क्योंकि N और डेल्टा टी तो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, हमारा ये जो फॉर्मूला हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन राइट दैट डी क्यू वी विल बी इक्वल टू एन सी वी डी टी, ये इम्पॉर्टेंट है। अब क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, ये है ना डी क्यू, और ये इक्वल टू डी ई है, तो हम यहाँ पे सिंपल कंक्लूड कर सकते हैं दैट डेल्टा, या नहीं डेल्टा ई नहीं, डी ई इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, क्यों? क्योंकि दो चीज़ है, एक तो ये आइडियल गैस के लिए डिफाइंड है, एक मिनट रुक जाओ, डिफाइंड फॉर आइडियल गैस, पहली चीज़ है इसमें, डिफाइंड फॉर आइडियल गैस, ठीक है, और सेकंड, क्योंकि ई जो है वो तुम्हारा स्टेट फंक्शन है, तो इट्स डिफाइंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है, चाहे वो रिवर्सिबली हो और इरिवर्सिबली हो, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल, क्यों? क्योंकि ई स्टेट फंक्शन है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, तो ये जो चेंज इन टेम्परेचर है या चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ये किस तरीके से लाई जा रही है ना, किस तरीके से इस चेंज को लाया जा रहा है, उस पर फर्क ही नहीं पड़ता, पाथ पे तो डिपेंडेंट है ही नहीं ना, तो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए डी ई विल बी दिस इक्वल टू दिस इन रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ठीक है, और ऑल टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस का मतलब यही हुआ। ठीक है जी, सी बी क्या है यहाँ पर, मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक, तो ये आ गया तुम्हारा। अच्छा, अगर सी वी को डिफाइन करना है, तुम सी वी को डिफाइन करो, तो सी वी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं भाई, सी वी कैन बी रिटन एज 1/n इंटू डी ई अपॉन डी टी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ ना, वी कैन ऑल्सो डिफाइन इट एज लाइक दिस। ठीक है, अगर मैंने इसको इस तरीके से डिफाइन कर दिया, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सी वी इज इक्वल टू 1/n, याद है तो मैंने ई को कैसे कैलकुलेट किया था, ई को हमने कैलकुलेट किया था n इंटू एफ बाय टू, एफ बाय टू क्या था एफ बाय टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ इज वॉज डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड बेसिकली हाफ ऑफ इट r इंटू डी टी, ये अगर तुम्हें याद हो तो, और अपॉन डी टी आ गया, डी टी से डी टी कट गया, n से n कट गया, तो हम यहाँ पे एफ आर बाय टू लिख सकते हैं। तो ये सी वी का फॉर्मूला यहाँ से हमने
डिराइव कर लिया एफ आर बाय, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आगे भी ध्यान रखना है। तो इसमें क्या सीन है कि अगर हमें कोई गैस मिल जाए, हमें अगर गैस पता है या नाम भी पता है गैस का, जैसे मान लो अमोनिया है, अमोनिया का हमें स्ट्रक्चर पता है, अगर हमें अमोनिया का स्ट्रक्चर पता है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो पॉलीएटॉमिक है, मतलब डायएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है, हम ये पता लगा सकते हैं। हम ये भी पता लगा सकते हैं कि वो लीनियर मॉलिक्यूल है या नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है ना। तो हम, अगर हमें ये पता है कि वो डायएटॉमिक, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक में से कौन सी है, लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो हम हमेशा उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। मैंने तुमको तरीका बताया था है ना, मोनोएटॉमिक के लिए 3, डायएटॉमिक के लिए 5, क्योंकि उसमें हम डायएटॉमिक या लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए 5, ठीक है, और पॉलीएटॉमिक और जो नॉन लीनियर होते हैं, पॉलीएटॉमिक कह रहा हूँ सॉरी, हाँ पॉलीएटॉमिक या नॉन लीनियर के लिए जो है वो F इक्वल टू 6 होता है। तो ठीक है, सी वी इक्वल टू 6R/2 हो जाएगा, वहाँ पे 3R आ जाएगा। तो तुम ये देखोगे ध्यान उसमें कि अगर तुम्हें गैस पता है तो गैस का स्ट्रक्चर पता कर सकते हो, और गैस के स्ट्रक्चर को पता करने से तुम डोमेन कह रहा हूँ यार, डिग्री ऑफ फ्रीडम पता कर सकते हो। अगर तुमने डिग्री ऑफ फ्रीडम पता कर लिया तो तुम सी वी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सी वी कैन बी कैलकुलेटेड जस्ट बाई नोइंग द नेम ऑफ द गैस इटसेल्फ, सिर्फ नाम जान लो गैस का तो तुम्हें ये पता जाएगा। और जो केमिकल बॉन्डिंग में हमने देखा कि भाई गैसियस मॉलिक्यूल्स या कोई भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वहाँ से हम वो चीज़ यहाँ काम आएगी कि अगर हमें नाम पता है तो हम स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं तो हम ये डिग्री ऑफ फ्रीडम पता कर सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम पता कर सकते हैं तो सी वी पता कर सकते हैं, ठीक है। एंड वी विल कंसिडर ऑल द गैसेज टू बी आइडियल गैसेज, ठीक है। मैंने ये तुम्हें बताया था, रियल गैसेज सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट के एक पर्टिकुलर पोर्शन में, जब वहाँ पे कोई उस पर क्वेश्चन आएगा तब काइंड ऑफ कंसिडर की जाएगी, अदरवाइज इन जनरल ऑल द गैसेज विल बी कंसिडर्ड एज आइडियल गैसेज। गॉट इट, ये समझ में आया? दोबारा बता रहा हूँ, ये तो तुम बेसिक जानते ही हो भाई, dW = PdV है, ये भी तुम जानते हो। वॉल्यूम अगर कॉन्सेंट हो dV = 0 है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं dQ, क्योंकि कॉन्सेंट वॉल्यूम पे ऐसे ऐसे लिख दिया। ये चीज़ भी तुम जान ही सकते हो भाई, अगर हीट गिवन टू द सिस्टम, मतलब सिस्टम में हीट एंटर हुई है तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये ऑपोजिट भी ट्रू है। नाउ QV को हमने याद है, तुमने कैलकुलेट करके दिखा था, ऐसा होता है, ये आया था, और मतलब ये आता है और कॉन्सटेंट वॉल्यूम पे है, तो इसलिए हम कह सकते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्सटेंट वॉल्यूम। नाउ dQV को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और dQV क्या है, d के इक्वल है, d इक्वल टू दिस, और ये फार्मूला हम आइडियल गैसेस के लिए और किसी और भी प्रोसेस, मतलब कैसे भी प्रोसेस के लिए ट्रू है। यहाँ पर फिर CV को अगर तुम डिफाइन करना चाहो तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है दैट इज CP, ठीक है। तो लिखो एट कॉन्सटेंट प्रेशर, मतलब अगर यही प्रोसेस जो है वो कॉन्सटेंट प्रेशर पे हो रहा होता, ठीक, तो अब बारी आएगी किसकी, CP की, एक बारी CV की, एक बारी CP की। अब यहाँ पर जो एक और क्वांटिटी है हम वो डिफाइन करेंगे, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एंथैल्पी, ठीक है। एंथैल्पी क्या है, अगर कोई प्रोसेस तुमने कांस्टेंट प्रेशर पे किया तो उस पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होगी, हीट जो एब्जॉर्ब या रिलीज होगी, दैट हीट इज कॉल्ड योर एंथैल्पी, ठीक है जी। तो एंथैल्पी के बारे में पहले लिख लो, ठीक है, राइट, चलो ठीक है, मैं इसी साथ में लिखवा दूंगा। नाउ अगर मैं इसी की बात करूँ, प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है, सेम चीज़ है, ये मैंने कल का छोड़ा हुआ है, इसका भी यूज़ आएगा, इसलिए मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ। ये क्लियर हो गया तुम्हारा, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको -PdV लिख सकते हैं, क्लियर होगी बात, ठीक है। और एक सेकेंड, हाँ ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें, मतलब यहाँ ही पे मैं इसको डिराइव करना चाहूँ, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि dQ इज इक्वल्स टू dE प्लस PdV, और ये मैं P करके लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ तक तो सही है, ये भी ठीक है, लेकिन अगर मान लो प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, ऐसे लिख लेते हैं इसको, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर एट कांस्टेंट प्रेशर होगा तो हम ये इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम एंथैल्पी की,
एंथैल्पी की. वेयर इज दी, ठीक है, एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं तो एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी को डिफाइन किस तरीके से किया जाता है. एंथैल्पी इज डिफाइंड एज एच इक्वल्स टू ई प्लस पी वी. देयरफोर डी एच को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो वो डी ई प्लस डी ऑफ पी वी आ जाएगा एट कॉन्स्टेंट पी प्रेशर. डी एच विल बी इक्वल टू डी ई प्लस डी ऑफ पी डी वी. क्यों? क्योंकि पी कॉन्स्टेंट है तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, है ना, पी डी वी. तो अगर तुम इसको वन मानते हो और इसको टू मानते हो तो तुम ध्यान से देखो, इन दोनों कंपेयर करो, डी ई प्लस पी डी वी, डी प्लस पी डी वी दोनों तरफ है, तो तुम कह सकते हो कंपेयरिंग वन एंड टू, कंपेयरिंग वन एंड टू वी गेट डी एच इक्वल्स टू डी क्यू. क्लियर होगी बात? कुछ समझ में अगर नहीं आया हो तो ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है. एंथैल्पी को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ठीक है. और मैं जो डेफिनेशन बोली थी ना कि इट इज़ दी हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है. उसका डेफिनेशन इस तरीके से है. ये क्लियर होगी भाई बात? ठीक, तो ठीक है, अगर ये है यहाँ पर हीट गिवन टू द सिस्टम, ठीक है, यहाँ पर चाहे तो तुम इस चीज़ को मिटा सकते हो क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं. हालांकि अगर तुम डेल्टा एच की बात भी करोगे ना, वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट ही होता है, ठीक है. डेल्टा एच को यूँ समझो कि अगर टेम्परेचर तुमने सॉरी अगर कॉन्स्टेंट प्रेशर पे कोई प्रोसेस हो रहा है तो अगर उसमें हीट गिवन टू द सिस्टम है तो उसका जो टेम्परेचर है वो यूजली राइज कर जाता है, और अगर हीट गिवन आउट ऑफ द सिस्टम है तो उसमें जो टेम्परेचर है वो यूजली डिक्रीज कर जाता है. लेकिन वो ऑलवेज ट्रू नहीं है, इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे. गॉट इट? ठीक है, ठीक है. तो इसमें लिखो, डेल्टा एच इज अ न्यू थर्मोडायनेमिक फंक्शन. डेल्टा एच या एच इज अ न्यू थर्मोडायनेमिक फंक्शन कॉल्ड एंथैल्पी. एच इज अ न्यू थर्मोडायनेमिक फंक्शन कॉल्ड एंथैल्पी, ठीक है. और जो एच है, एच के बारे में तुम लिख सकते हो कि ये स्टेट फंक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है जी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है. गॉट इट? और मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया जाता है वो, इट इज डिफाइंड मैथमेटिकली एज दिस एट कॉन्स्टेंट पी. ये इन दोनों कंपेयर करोगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा. गॉट इट? व्हेन दैट इज देयर क्यू पी, ठीक, ठीक है. तो क्यू पी की अगर मैं बात करूं, अब कुछ नहीं करना मुझे, मुझे जहां जहां पे वी था मैं वहां वहां पे पी डाल दूंगा, ठीक है. यहां पे पी आ जाएगा, और अगर ये पी आ गया तो ये, ठीक है, ठीक है, डी क्यू. और क्योंकि डी क्यू पी जो है वो डी एच के इक्वल है तो हम साफ साफ यहां पे लिख सकते हैं कि दैट डी एच इज इक्वल्स टू एन सी पी डी टी. और CP को अगर तुम्हें डिफाइन करना हो तो तुम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सिंपल. तुम ये कर सकते हो, यहाँ पर E की जगह H कर दो, V की जगह P कर दो, ठीक है. और ठीक है, डी एच बाई डी टी. तो इसको लिख लो, लिखो इसमें डी एच इज दी हीट गिवन और टेकन, या हीट, हाँ, हीट गिवन और टेकन बाय द सिस्टम. देखो, डी एच इज द हीट गिवन और टेकन बाय द सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. देयरफोर डी एच इज इक्वल्स टू डी क्यू. देयरफोर डी एच इज इक्वल्स टू डी क्यू. ठीक है जी, क्लियर होगी बात? मैं अभी इस वाले फॉर्मूले पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये वाला फॉर्मूला मैं अभी आगे डिस्कस करता हूँ, जब सी पी और सी वी में तुम्हें रिलेशनशिप दिखानी होगी, ठीक है. इतना है, इसको भूल जाओ अभी, ठीक. तो तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे, दोनों फॉर्मूले को हम साथ साथ लिख सकते हैं. दैट इज, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है जी. कहाँ थे हम? डी क्यू इक्वल्स टू दिस दिस दिस, ठीक है. और
तुम यहाँ पे सिंपल देख सकते हो डी ई इज इक्वल्स टू एन सी वी डी टी एंड डी एच। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और हर जगह तुम यहाँ पे ये चीज़ें भी इसके लिए भी ट्रू है एन सी पी डी टी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसको साथ साथ तुम ये भी लिख सकते हो दैट इट इज़ इक्वल्स टू क्यू वी, दैट दिस इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है जी, क्लियर इनफ, सिंपल एज दिस एज दिस। ओके, नाउ लेट्स राइट, लेट्स टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन सी पी एंड सी वी, रिलेशनशिप बिटवीन सी पी एंड सी वी। ठीक है, सी पी और सी वी के बीच में रिलेशनशिप। देखो भाई, डेल्टा या एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी होता है ना। और मैं इस वाले पोर्शन को मिटा देता हूँ, सी पी और सी वी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं या डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ये चीज़ है। ठीक है, H इक्वल्स टू ई प्लस पी वी, या हम सीधे से लिख सकते हैं डी एच इज इक्वल्स टू डी ई प्लस डी ऑफ पी वी। ठीक है, नाउ पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है। ठीक है, तो देयर फोर डी ऑफ पी वी विल बी इक्वल्स टू डी ऑफ एन आर टी, आया ना। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं कि भाई डी एच इज इक्वल्स टू डी ई प्लस डी ऑफ एन आर टी। तो कंसिडरिंग की जो सिस्टम है उसके मोल्स कॉन्स्टेंट हैं। ठीक है, सिंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, तो देयरफॉर वी कैन से दैट डी एच is equals to DE plus D of N R D T। क्लियर होगी बात। अच्छा, यहाँ पे DH की ये वैल्यू डाल दो, सॉरी ये वाली वैल्यू डाल दो, N C P D T is equals to N C V D T plus N R D T। तो अगर तुम देखो DT 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 N N N दोनों तरफ कॉमन आ रहे हैं, हम काट सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी पी इज इक्वल्स टू सी वी प्लस आर। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। एक सेकेंड, यार ठीक ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, सो इट इज कमिंग आउट ऑल राइट। ठीक है जी। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो दैट सी पी इज इक्वल्स टू सी वी प्लस आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको यूजली अलग तरीके से लिखा हुआ पाया जाता है, विच इज़ लाइक दिस। इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, किसी भी तरीके से ये याद रखो, चाहे ये याद रखो, अप टू यू। ठीक है, अब अगर मैं सी पी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो सी पी की वैल्यू कितनी होती है, सी वी प्लस आर। सी वी को क्या रख सकता हूँ मैं, एफ आर बाई टू, याद है कि नहीं, अभी मैंने पहले करा था, प्लस आर कितना जाएगा ये एफ बाई टू प्लस वन आर एफ बाई टू। हाँ ठीक है, या फिर तुम इसको इस तरीके से लिख सकते हो एफ प्लस टू बाय टू आर। ठीक है, सिंपल इनफ, ज़्यादा सोचने का नहीं। ठीक, अच्छा जी, एक और चीज़ होती है यहाँ पे, हम यहाँ पे लैम्डा जो है जिसको एटॉमिसिटी भी कहते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये वैसे एडियाबैटिक कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है, एडियाबैटिक। ठीक है, इसको मैं यहीं डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि ये आगे काम आएगा ही आएगा। ठीक है, लैम्डा, ये लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल इज डिफाइंड एज सी पी अपॉन सी वी। ठीक है, अगर सी पी अपॉन सी वी में मैं बात करूँ तो दोनों को लिख लो,
f by 2 plus 1 into r upon f r by 2, r से r गया, क्या आएगा यहाँ पे f plus 2 upon f, या यूँ कह सकते हो 1 plus 2 by f, जिस भी तरीके से तुम इसको डिफाइन करना चाहो तुम कर सकते हो. गॉट इट? ठीक है, ये सारे के सारे हो गए. हाँ जी, इस रिलेशनशिप को मेयर्स रिलेशनशिप कहते हैं, ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये लिख लो तुम, मेयर्स रिलेशनशिप. कहीं कोई पूछ ले तुम डंबफाउंडेड हो कि ये क्या बात कर दी भाई, कौन मेयर, हमें तो एक ही मेयर पता है रुड़की का. ठीक है जी, गॉट इट. ये तुम्हारे पास, इसमें और तरीके भी हैं, जैसे मान लो इसमें और इसके बीच में तुम्हें रिलेशनशिप निकालनी है, जैसे गामा और सीवी के बीच में. तो भाई गामा इक्वल्स टू क्या बताया मैंने, सीपी अपॉन सीवी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सीवी प्लस आर अपॉन सीवी. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दैट गामा इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन सीवी. ठीक है, तो इसको 1 को इधर ले आओगे तो क्या आएगा, गामा माइनस, देखो गामा आर के ऐसे लग रहा होगा लेकिन तुम इसको इस तरीके से समझना कि आर थोड़ा सा ऊपर की तरफ है. भाई हम तो ऐसे ही बनाते हैं, बाकी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लिखा होता है. एक्सक्यूज मी. ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सी वी इज इक्वल्स टू, अगर मैं सी वी को इधर ले आऊँ, गामा माइनस वन को नीचे ले आऊँ, तो कहते हैं आर अपॉन गामा माइनस वन. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, यही मतलब ये समझो, इसी सबको हम घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, बाकी ठीक है इम्पॉर्टेंट तो ये है ही. ठीक है, ये याद रहे तो अच्छा है भाई, है ना, ये वाला भी याद रहे तो अच्छा है. ठीक है, तो ठीक है, ये तुम्हारे सी पी और सी वी हो गए सारे के सारे. तो हमने आई थिंक एवरीथिंग वी हैव कवर्ड फ्रॉम दिस टू दिस टू दिस. ठीक है, ओका, एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें जो एक्सप्लिसिटली मेंशन करनी है, वो ये है, दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी इज डिफाइंड फॉर एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर प्रोसेस, है ना, फॉर आइडियल गैस. ठीक है, तो क्लियर होगी बात. एक सेकेंड ना. ठीक है, एवरीथिंग इज डन. ओके कूल, ठीक है जी. तो दिस इज डन, इसमें कुछ चीज़ें लिख लो. ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं वो लिखो. इवन इफ, ठीक है, इवन इफ जस्ट द नेम ऑफ द गैस, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस मैं लिखवा रहा हूँ इस चीज़ को. इवन इफ जस्ट द नेम ऑफ द गैस इज गिवन, इवन इफ जस्ट द नेम ऑफ द गैस इज गिवन, वी कैन कैलकुलेट इट्स सी पी एंड सी वी. वी कैन कैलकुलेट इट्स सी पी एंड सी वी, किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं हम, हमको अगर नाम पता है तो नाम से स्ट्रक्चर पता चल जाएगा. ठीक है, और अगर स्ट्रक्चर पता चल गया तो वहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल जाएगी, वहाँ से हमें सी वी पता चल जाएगा, एंड फ्रॉम देयर वी कैन कैलकुलेट सी पी. भाई सी वी पता है तो उसमें आर ऐड कर दो. ठीक है जी, गॉट इट. ठीक है जी, नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट, ई एंड एच आर स्टेट फंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये हर फंक्शन के लिए डिफाइंड है. ई एंड एच आर स्टेट फंक्शंस, हेंस देयर चेंज, जो डेल्टा एच मैं बता रहा हूँ, सॉरी डेल्टा ई और डेल्टा एच मैं बता रहा हूँ, हेंस देयर चेंज डेल्टा ई एंड डेल्टा एच आर, हेंस देयर चेंज डेल्टा ई एंड डेल्टा एच आर डिफाइंड बाय एन सी वी डेल्टा टी एंड एन सी पी डेल्टा टी. ठीक है, फॉर एवरी प्रोसेस, फॉर एवरी, ये नोट करके लिखना है या स्टार मार्क करके लिखना है, ठीक है, फॉर एवरी प्रोसेस
सिंस दे आर पाथ इंडिपेंडेंट, सिंस दे आर पाथ इंडिपेंडेंट. तो इरिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो दोनों के लिए ट्रू है. ठीक है. अच्छा, अब जो क्यू है, क्यू को अगर हम देखना चाहें अलग अलग प्रोसेस के लिए, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. आई एम गोइंग टू रब अ पर्टिकुलर पोर्शन, रब ऑफ. ठीक है, ये बीच वाला पोर्शन हम यहाँ पे हटा देते हैं. इनफैक्ट ये सारा कुछ हटा सकते हैं हम. ठीक है जी, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं सीधे सीधे, क्या बात कर रहे थे हम, हाँ, क्यू फॉर फर्स्ट आइसोकोरिक. तो अगर हम देखें आइसोकोरिक में W, सॉरी, डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो होता है, देयरफोर W इज इक्वल टू जीरो, देयरफोर Q इज इक्वल टू डेल्टा E. क्लियर होगी बात, क्यू वी. ठीक है, और ये इसके बारे में ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ. सेकेंड आइसोबारिक डेल्टा P इज इक्वल टू जीरो, देयरफोर W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V, देयरफोर क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस पी डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा H. ठीक है, तो इसमें तुम देख सकते हो. थर्ड इज आइसोथर्मल. आइसोथर्मल में अगर तुम देखो तो डेल्टा E इज इक्वल टू जीरो होता है, सिंस डेल्टा T इज इक्वल टू जीरो. और ये आइडियल गैस के लिए सब के सब, जो भी कुछ लिख रहा हूँ मैं आइडियल गैस के लिख रहा हूँ. मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भैया थर्मोडाइनमिक्स में जितने भी हम सिस्टम्स की बात कर रहे होते हैं, मोस्टली ऑल ऑफ देम आर आइडियल गैस सिस्टम्स. ठीक है, कहीं पर अगर लिक्विड्स या सॉलिड्स कहीं पर इन्वॉल्व हुए तो उसकी बात अलग से कर लेंगे. लेकिन जितने भी फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ ये आइडियल गैसेस के लिए ही ट्रू है. तो डेल्टा ई डेल्टा, हाँ ठीक है, अगर डेल्टा इक्वल टू जीरो है तो क्यू प्लस डब्ल्यू, भाई डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू एफ एल ओ टी है ना, तो इसके बेसिस पे ये जीरो आ गया, दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू. तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा, इफ या और ऐसे कर लो, और डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू, इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम. इसका मतलब क्या हुआ, अगर सिस्टम को एनर्जी मिली, सिस्टम पे वर्क किया गया, तो हीट गिवन आउट ऑफ द सिस्टम, हीट गिवन आउट ऑफ द सिस्टम. ठीक है, अगर इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, ये तभी हो पाएगा जब हीट जो है वो टेकन इनटू या टेकन बाय द सिस्टम लिख लेते हैं. ठीक है, जब तक हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी तब तक वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं होगा, या अगर जब तक हीट रिलीज नहीं होगी तो वर्क डन ऑन द सिस्टम भी नहीं हो पाएगा. तो दोनों चीज़ है यहाँ पर. तुम ऑन द सिस्टम का मतलब क्या हुआ, कंप्रेशन, ये इसका मीनिंग कभी नहीं चेंज होता. ठीक है, एक्सपेंशन, अभी हम एडियाबेटिक कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन देखेंगे. ठीक है जी, आर वी क्लियर अबाउट दिस. ठीक है, क्लियर होगी बात. और जो हमारा लास्ट वाला है, दैट इज़ द नेक्स्ट विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, विच इज़ एडियाबेटिक. और एडियाबेटिक में क्या होता है भाई, द फोर्थ वन एडियाबेटिक. ठीक है, एडियाबेटिक में क्यू इक्वल टू जीरो होता है भाई. एडियाबेटिक प्रोसेस डिफाइन ही ऐसे, इसलिए इस तरीके से होता है कि द हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज जीरो, है ना, देर इज नो हीट एक्सचेंज या बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. गॉट इट. ठीक है जी, अब एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले लिखो भाई, एडियाबेटिक सिस्टम्स. ठीक है, या एडियाबेटिक प्रोसेस, नॉट सिस्टम्स, प्रोसेस. ठीक है जी, एडियाबेटिक क्लिक क्यू इज इक्वल टू जीरो होगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू होगा. अरे यार चलो ठीक है, एडियाबेटिक में चलो मैं सब साथ में लिखवा देता हूँ. तो उसको डिफाइन कैसे किया जाता है एडियाबेटिक प्रोसेस को, हम ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन देख चुके हैं, है ना. इसमें कुछ चीज़ें हम और साथ साथ देखेंगे. ठीक है जी, इसमें लिखो सबसे पहले,
ठीक है, अ प्रोसेस प्रोसेस कैरिड आउट इन सच अ वे, अ प्रोसेस कैरिड आउट इन सच अ वे दैट द हीट एक्सचेंज बिटवीन सच दैट द हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज ज़ीरो, इन सच अ वे दैट द हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज निल और ज़ीरो इज कॉल्ड एन आइडियाबैटिक, एडियाबैटिक, आइडियाबैटिक नहीं एडियाबैटिक, कुछ लोग आइडियाबैटिक आइडियाबैटिक करते हैं, एडियाबैटिक होता है, ठीक है जी, ठीक है, इज कॉल्ड एन एडियाबैटिक सिस्टम, ठीक है, तो इज कॉल्ड एन एडियाबैटिक सिस्टम, वो सॉरी सिस्टम नहीं प्रोसेस, ठीक है, एडियाबैटिक इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस, गॉट इट। चलो अब बात करते हैं, ठीक है, तो अगर तुम इसमें देखो, अच्छा पहले लिख लेते हैं भाई, एडियाबैटिक सिस्टम में अगर वो अगर तो डी क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो होता है और क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं दैट डी ई इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, देयर फोर डी ई इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, या फिर हम लिख सकते हैं ई या डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू और डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो इसमें हम इस सीधे सीधे लिख सकते हैं दैट इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, देन इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है, या डेल्टा ई जो होता है वो पॉजिटिव होता है, विच मीन्स दैट टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्लियर होगी बात, ठीक है, अच्छा इफ वर्क डन बाय द सिस्टम देन जो ई होगा वो डिक्रीज करेगा। भाई अगर वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब क्या हुआ, बाहर से तो कोई हीट ना ली जा रही है ना दी जा रही है, तो अगर सिस्टम एक्सपैंड हुआ तो अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज़ करके तो एक्सपैंड हुआ होगा, है ना, अगर अपनी एनर्जी को यूज़ करते हुए एक्सपैंड हुआ है इसका मतलब क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है, अगर इंटरनल एनर्जी कम हो गई तो डेल्टा ई जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है जी, ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, तो ये तुम लिख सकते हो कि ये एक्सपेंशन की बात हो रही है, तो एक्सपेंशन में हमेशा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और कंप्रेशन में हमेशा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है, और जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी, और जो कंप्रेशन के केस में और एक्सपेंशन के केस में डिक्रीज करेगी, क्लियर होगी ये बात, ठीक है जी, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही होगी, अच्छा इसको हम आगे देखेंगे, पहले मैं इसको समझा देता हूँ उसमें क्या है, देखो भाई यहाँ पर हमने एक परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग कंटेनर रखा है, ठीक है जी, ये परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग कंटेनर है, ठीक है, अच्छा इसमें एक मासलेस पिस्टन रखा है, अब चाहे तुम यहाँ पे इनिशियली रखो चाहे यहाँ पे रखो, मतलब देखो अगर यहाँ रखोगे तो यहाँ पर देखो जैसे ये तो वी आई वी एफ अलग अलग लिखा हुआ है, एक्सपेंशन के केस में मैंने इसको वी आई माना है, इसको वी एफ माना है, उसको वी माना है, इंटरमीडिएट है जो ये, ठीक है, तो इनिशियली वॉल्यूम कम है, ठीक है, और इसके ऊपर मान लो चलो ठीक है अभी मास वास की बात नहीं करते, सिंपल ऐसा है कि यहाँ पर कुछ वॉल्यूम है इस सिस्टम की और ये नॉन कंडक्टिंग है कंटेनर और ये मासलेस पिस्टन है, ये भी नॉन कंडक्टिंग है, ठीक, अच्छा यहाँ पर जो ये पिस्टन रखा है ये हमने या तो सडनली या धीमे धीमे चाहे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल किसी भी तरीके से हम इसको ऊपर लेके आए, मतलब क्या हुआ इसकी वॉल्यूम क्या कर गई, इंक्रीज कर गई, इंक्रीज करने का मतलब एक्सपेंशन हुआ है ना, एक्सपेंशन हुआ है, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर गई है, एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है, अच्छा इनिशियल वॉल्यूम वी आई है और जो फाइनल वॉल्यूम है वो वी एफ है और जो इंटरमीडिएट वॉल्यूम है वो V है, तो ये एक्सपेंशन का प्रोसेस है, तो एक्सपेंशन का प्रोसेस यहाँ पे है कि अगर मान लो हीट वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब एक्सपेंशन अगर हुआ है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी, टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, तो इस वाले केस में जो मैंने यहाँ पे बनाया है इसमें एनर्जी डिक्रीज करेगी, टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा, एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी, उल्टा कर लो मान लो ये वी एफ
की जगह मैं इसको लिख दूं कि ये वी आई है, मतलब इनिशियली वॉल्यूम ज़्यादा थी और बाद में जो कंप्रेशन करने के बाद वॉल्यूम कम हो गई, तो क्या होगा, ये डाउन आया, डाउन आया तो भाई ये वाला जो इसमें जो वर्क हुआ है दैट विल बी डन ऑन द सिस्टम, दैट मीन्स एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज करेगी और टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। ये बेसिक है, मतलब इसी के ऊपर हम थोड़े बहुत डिस्कशन करेंगे। जैसे हमने क्या किया था रिवर्सिबल के लिए, इसमें जो रेत थी है ना, रेत इसके ऊपर पड़ी हुई थी, हम एक एक कण करके हटा रहे थे, तो धीमे 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 एक्सपेंशन हुआ है ना, तो दैट इज़ रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अगर मान लो हमने एक बड़ा सा मास रखा या दो बड़े मास रखे या तीन बड़े मास रखे, हम एक एक करके उनको हटाते चले गए, बड़े बड़े मासेज हैं, तो खट खट मतलब बहुत सडन इंक्रीज होगा ये वॉल्यूम में। तो अगर ऐसा होता है तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक। या उल्टा कर लो, कंप्रेशन की बात कर लो, तो कंप्रेशन में क्या हुआ कि यहाँ पे था, हमने इसमें धीमे धीमे एक एक ग्रेन ऑफ सैंड इसमें डालना शुरू किया, डालते 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 वो धीमे 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 कंप्रेस होते हुए वॉल्यूम यहाँ तक आ गई, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो हुआ वो रिवर्सिबली हुआ। अगर मान लो हमने इंस्टेंटली इंटेनियसली या बिल्कुल सडनली यहाँ पे एक मास रख दिया, तो एकदम सडन कंप्रेशन होगा, दैट विल बी डन इरिवर्सिबली। तो मैं ऑलरेडी ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ को लिखवाऊंगा नहीं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक। तो अब इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, ये जो चीज़ यहाँ पे है इसको हम आगे बढ़ाते हैं भाई। डी ई देखो, सिंस डी ई इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, डी इक्वल्स टू डी डब्ल्यू का मतलब हो गया तुम्हारा डी इक्वल्स टू डी डब्ल्यू का मतलब हो गया एन सी वी डी टी इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, पी डी वी, यही हुआ है ना। अच्छा, अब ये पी डी वी की अगर हम बात करें, सिंस पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, मतलब पॉइंट ये है कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, हम इसको यूज़ करते हुए कुछ एक रिलेशंस डिराइव करेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ एडियाबैटिक प्रोसेसेस के लिए ट्रू हैं, और वो भी एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर आइडियल गैसेस, उनके लिए ये ट्रू होंगे। एनआरटी है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट पी इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन वी। इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो पी वी एंड टी आर नॉट कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं दैट पी वन वी वन अपॉन टी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू अपॉन टी टू, ठीक है जी, ये ध्यान रहेगा, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम एक स्टेट है ए, और एक स्टेट है बी, ठीक है ना, स्टेट है बी, इनके बीच में एक एडियाबैटिक प्रोसेस करा रहे हो, देखो भाई अभी तुम कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर जैसे मैंने वी आई लिखा है, वी एफ लिखा है, तो वी आई वी एफ या पी आई पी एफ को मैं वी वन वी टू पी वन पी टू भी लिखता हूँ, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे तो आपने वी आई वी एफ लिखा है और यहाँ पे आप पी वन पी टू लिख रहे हो, ठीक है। डिराइव करते वक्त भी चाहे हम पी वन पी टू लिख लें चाहे वी आई वी एफ लिख लें, फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज वी आई मीन्स मतलब इनिशियल वॉल्यूम मतलब V1 और PF मींस फाइनल वॉल्यूम मतलब V2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ये P1 कॉमा V1 कॉमा T1, ठीक है जी, और P2 कॉमा V2 कॉमा सॉरी T2 है, गॉट इट। एक सेकेंड रुको, हाँ पी वी क्वेश्चन आरटी, ठीक है। अच्छा, ये एक मतलब मैं बेसिकली इसको डिफाइन करने के लिए सब चीज़ें कर रहा हूँ है ना, कि हम ए से बी जा रहे हैं तो हमारे पास वी वन वी टू या वी आई वी एफ है ना, ये चीज़ें होंगी और ये रिलेशनशिप हमारे साथ में होंगे। इनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस इस चीज़ का पर्टिकुलर यूज़ है। यहाँ पे बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि प्रेशर को मैंने टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस किया है और मैं इसको यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो पुटिंग This in equation one. अगर मैं इसको equation one में डालता हूँ P को है ना, तो क्या जाएगा एन सी वी डी टी इक्वल्स टू एन आर टी टी अपॉन सॉरी एन आर टी इंटू डी वी अपॉन वी कर जाएंगे इसको। यहाँ पर अगर तुम देखो तो हम यहाँ से ये काट सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं दैट, अच्छा एक सेकेंड रुको, उल्टा एक चीज़ ये भी तो हो गई माइनस, क्योंकि डी डब्ल्यू है ना, डी डब्ल्यू कॉस्ट माइनस पी डी वी होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस आएगा, ठीक, तो सी वी अपॉन इंटू, सॉरी सी वी इंटू डी टी अपॉन जो टेम्परेचर है मैं इसके नीचे ले आया, या ऐसे समझो इसको, सी वी अपॉन डी टी बाई टी, दिस इज इक्वल टू डी टी बाई डी, सी वी डी टी बाई टी आर डी वी बाय वी, क्लियर होगी बात, इसमें देख लो कुछ भी ऐसा हो जो गलत लग रहा हो, यहाँ एन 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 गया, ये टी इधर आ गया, आर डी वी बाई वी इतना आ गया, ठीक है जी, और ये माइनस में है यहाँ पे, ठीक, अच्छा जी, ठीक है जी, अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो सी वी कॉन्स्टेंट है, या ऐसे समझ लो टी वन से टी टू जा रहा है, और सी वी डी टी अपॉन टी है, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी वन से वी टू जा रहा है आर इंटू डी वी अपॉन वी, इसका दोनों का हमको इंटीग्रेशन पता है, सी वी और आर जो है वो कॉन्स्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सी वी इंटू एल एन टी, है ना, लार्सन एंड टूब्रो, पता है ना एल एन टी क्या है, एल एन टी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन इंडिया फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, और आई मीन और जो सिविल इंजीनियर्स हैं दे कैन दे लाइक टू वर्क फॉर दैट कंपनी, बहुत एक्सटेंसिव एग्जाम वो देती है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो वो लोग एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा माइनस आर एल एन वी, वी कहाँ से कहाँ तक है, वी वन से वी टू, तो चाहे यार यहाँ पे ना तुम्हारी सहूलियत के लिए इसको मैं वी वन वी टू डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर अभी जो है ये एक्सपेंशन या कंप्रेशन किसी एक पर्टिकुलर को लेके नहीं है, ये इन जनरल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट सी वी इंटू एल एन टी टू अपॉन टी वन इक्वल्स टू माइनस आर एल एन वी टू अपॉन वी वन, ठीक है, तो अच्छा तो मैं इसको सी वी अपॉन, एक सेकेंड ना, आर अपॉन सी वी क्या हो जाएगा गामा माइनस वन, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एल एन टी टू अपॉन टी वन इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन ये क्या जाएगा सी वी इंटू एल एन वी टू, या इसको अगर मैं गामा माइनस वन इसको लिख लूँगा तो क्या आएगा यहाँ पर उल्टा कर देंगे ना, वी वन अपॉन वी टू, माइनस साइन में अंदर ले गया ना तो इसमें रेस टू वन हो माइनस वन हो जाएगा, वी वन अपॉन वी टू आ जाएगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ एंटी लॉग ले रहा हूँ, एंटी लॉग लोगे तो क्या होगा, एंटी लॉग लोगे इसका तो यहाँ पे टी टू अपॉन टी वन आएगा ये, और जो इसके बाहर है ये इसकी पावर बन जाएगा वी वन अपॉन वी टू का आर अपॉन सी वी, ठीक है, और आर अपॉन सी वी मैंने क्या बताया था, सी वी अपॉन आर मैंने बताया था वन अपॉन गामा माइनस वन, ठीक है, एक मिनट उसकी आर अपॉन सी वी वर्स गामा माइनस वन, ठीक है, आर अपॉन सी वी वर्स गामा माइनस वन, अपने एक पेज को पलट के देखोगे यही मैंने भी थोड़ी देर पहले डिराइव करवाया था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल्स टू वी वन अपॉन वी टू इज टू गामा माइनस वन आर अपॉन सी वी, ठीक है, बस तो अब क्या करना है इसको टी टू वी टू गामा माइनस वन इक्वल्स टू टी वन वी वन गामा माइनस वन, तो अगर तुम ये चीज़ को ध्यान से देखो तो वी कैन से दैट टी इंटू वी रेस टू गामा माइनस वन इज कॉन्स्टेंट, हाँ है ना भाई, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ना पी वन वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू, तो इसको मैं लिखता कैसे था, पी वी अपॉन टी इज कॉन्स्टेंट भाई, तभी तो ये ट्रू है, दैट्स वाई दिस इज एन आइडेंटिटी। अब यहाँ पे देखो टी टू वी टू रेस टू गामा माइनस वन इक्वल्स टू टी वन वी वन रेस टू गामा माइनस वन, तो वी कैन राइट इट एज दिस, ठीक है, अगर मैं टी इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन आर डाल दूँ, विच एन और आर दोनों कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे क्या जाएगा पी वी अपॉन एन आर इंटू वी रेस टू गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट हो गया। अब क्योंकि कॉन्स्टेंट ये दोनों भी है तो मैं इनको यहाँ ले जाऊँगा तो ये भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी इंटू वी
और वी माइनस वन, यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा ना, वी इंटू दिस, तो क्या आएगा, पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये एक दूसरा आइडेंटिटी हो गई। इनफैक्ट इसको इस तरीके से ना लिख के हम ऐसे लिख लेते हैं, गॉट दिस? ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि ट्रू हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल, सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, फॉर आइडियल गैसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर आइडियल गैसेस, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, क्लियर है? इसमें एक और आइडेंटिटी मैं लिख रहा हूँ, उसको तुम खुद से डिराइव कर लेना, वन माइनस गामा, ठीक है, इंटू टी रेस टू गामा कॉन्स्टेंट। हालांकि यहाँ पर जो मोस्टली यूज़ होंगी वो पहली दोनों यूज़ होंगी, ये और ये मैं अपने आप से लिखवा रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप है, यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप है, लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, मैं ये लिखवा दिया है। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, यही दोनों यूज़ होते हैं, यही दोनों याद भी रखने हैं। इनफैक्ट तुम ये याद रखोगे तो बाकी दोनों को याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। ठीक है जी, कूल, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो लिखो, दिस इज वैलिड फॉर अ क्वाजी स्टैटिक का मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस, दिस इज वैलिड फॉर अ क्वाजी स्टैटिक और रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, दिस इज वैलिड फॉर अ क्वाजी स्टैटिक रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है। तो लिखो, देयरफॉर फॉर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस दीज क्वांटिटीज आर नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ जो कि हमें आगे काम आएगा इस चीज़ को, लाइक एडियाबेटिक प्रोसेस को डील करने में। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में हमने क्या बताया, तीन क्वांटिटी दी भाई, डेल्टा ई, क्यू एंड डब्ल्यू। क्यू तो जीरो हो गया, अगर हमें डब्ल्यू पता है तो हम डेल्टा ई कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, या अगर हमें डेल्टा ई पता है तो हम डब्ल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई भी एक चीज़ हमें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए और हमें एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में काफ़ी हद तक चीज़ें मालूम रहेंगी। ठीक है जी, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस को मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस या उनके बीच में कंपैरिजन नहीं डालूंगा, बिकॉज एक तो यह है कि वो मोस्टली फिजिक्स का पार्ट है, और अगर कुछ आता भी है तो एडवांस वाले पोर्शन में आता है, एडवांस वाले पोर्शन को मैं थोड़ा बाद में ले लूँगा। ठीक है ना, इस वाले अभी पोर्शन में नहीं लेते उसको, एडवांस वाले पोर्शन को थोड़ा बाद में लेंगे। तो इसमें जो एक पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिखो, क्या है, ऑपरेशन वाइज अगर तुम देखो तो एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस, चाहे वो एक्सपेंशन हो चाहे वो कंप्रेशन हो, सिमिलर होते हैं। ठीक है ना, तो उसमें रिवर्सिबली अगर एक्सपेंशन किया या इरिवर्सिबली, सॉरी रिवर्सिबली एक्सपेंशन किया या रिवर्सिबली कंप्रेशन किया है, तो दोनों आइसोथर्मल वाले में भी और एडियाबेटिक वाले में भी सिमिलर से होते हैं। ठीक है, जो हमने कैलकुलेशन वहाँ करी थी वैसी ही सिमिलर कैलकुलेशंस यहाँ पे भी होंगी। जैसे अगर तुम्हें याद होगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस का जो एक्सपेंशन का वर्क था, वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन का जो वर्क था वो एग्जैक्टली उल्टा था, नेगेटिव था ऑफ द आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। ये चीज़ मैंने वहाँ लिखवाई नहीं है एक्सप्लिसिटली, लेकिन ये ट्रू है, तुम वहाँ पे करके देख लेना, और ये चीज़ अब लिख लो चाहे तो वहाँ पे। ठीक है, कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है उसका वर्क हमेशा नेगेटिव होगा आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन के। ठीक है, दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, क्योंकि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस का एक्सपेंशन होता है उसमें वर्क मिनिमम होता है, और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस का कंप्रेशन होता है उसमें वर्क मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो हम इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बस अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि वर्क जो है, चलो इस चीज़ को साथ साथ लिख ही लेते हैं। तो इस पॉइंट को लिखो, पहले पॉइंट लिख लो फिर मैं बताता हूँ इसमें। ऑपरेशन वाइज एडियाबेटिक प्रोसेस इज सिमिलर टू आइसोथर्मल प्रोसेस। ऑपरेशन वाइज एडियाबेटिक प्रोसेस इज सिमिलर टू आइसोथर्मल प्रोसेस ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। हेंस ऑल द क्राइटेरिया दैट आर यूज्ड
Hence, all the criteria that are used for judging an isothermal reversible and irreversible process, isothermal process are applicable to adiabatic process. तो हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि अगर isothermal की बात करोगे, ठीक है, ये लिखवा ही देता हूँ क्योंकि मैं शायद वहाँ पे नहीं लिखवाया था isothermal process. तो isothermal process के लिए अगर तुम देखो W reversible, ठीक है, expansion is equals to negative of W reversible compression, ठीक है, जो ये होता है ये पॉजिटिव होता है, ये जो होता है ये पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना, और ये भाई साहब होता है नेगेटिव. तो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि W रिवर्सिबल एक्सपेंशन का मैग्नीट्यूड जो है वो मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होगा ठीक है देयरफॉर फॉर साइक्लिक इसका एक काइंड ऑफ कोरोलरी समझ लो फॉर साइक्लिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन डेल्टा W इज इक्वल्स टू जीरो या W इक्वल्स टू जीरो. फाइनल जो W होता है वो जीरो होता है. क्यों? क्योंकि अगर तुम देखो A टू B अगर तुम रिवर्सिबल आइसोथर्मल मतलब इस डायरेक्शन में आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहे हो तो इस डायरेक्शन में तुम्हारा रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा ठीक है. और दोनों के जो ग्राफ होंगे ठीक है वो ये तुम्हारा एक्सपेंशन का हो गया. और सेम ग्राफ बोल रहा हूँ मैं, सेम ग्राफ मतलब इसी को मैं गोड़ के ऐसे लिख रहा हूँ. दिस ग्राफ इज लाइक ये वाला तो कौन सा था एक्सपेंशन और ये कंप्रेशन. तो अगर ध्यान से देखो तो इसमें चाहे तुम कंप्रेशन वाला देख लो चाहे तुम एक्सपेंशन वाला देख लो दोनों इक्वल हैं ठीक है. बस ये है कि दोनों का साइन डिफरेंट होता है इस वजह से दोनों को ऐड करोगे ठीक है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू जीरो. क्लियर होगी बात. सेम थिंग इज ट्रू फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा ठीक है एडियाबैटिक प्रोसेस में भाई रिवर्सिबल एक्सपेंशन में ये तो ट्रू. अच्छा एक सेकंड रुको 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 इरिवर्सिबल वाला तो हम बताए ही नहीं. इरिवर्सिबल में आइसोथर्मल लिख लो इसको. आइसोथर्मल प्रोसेस में ये तो बताया नहीं भाई हमने है ना इरिवर्सिबल. अगर मैं इरिवर्सिबल की बात करूँ तो जो एक्सपेंशन का वर्क होता था दैट वाज मिनिमम ठीक है. और जो डब्ल्यू इरिवर्सिबल कंप्रेशन का वर्क होता था वो मैक्सिमम होता था ठीक है. तो अगर हम ध्यान से देखें तो वाज लेस देन और कंप्रेशन मतलब क्योंकि मॉड तो दोनों का सेम है ना और या ऐसे समझो
ठीक है, तो तुम मॉड डाल लो यहाँ पे सब जगह। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। यही सेम चीज़ें तुम ये एडियाबेटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन के भी लिख सकते हो, सेम थिंग। इस चीज़ को बस तुम क्यों क्या करने का है, इसको एडियाबेटिक कर दो। ठीक है, एडियाबेटिक में वही रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ये इक्वल टू होगा, ये भी नेगेटिव है पॉजिटिव, ये सब चीज़ें होंगी साइक्लिक प्रोसेस के लिए। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये भी ट्रू होगा, और इरिवर्सिबल में भी एग्जैक्टली सेम चीज़ें ही आएंगी। ठीक है जी, ये चीज़ दैट्स व्हाट आई मेंट टू कन्वे, ये मैं कन्वे करना चाहता था। आइसोथर्मल हो एडियाबेटिक है, दोनों के लिए ये चीज़ें ट्रू हैं। चाहे तो तुम ऊपर दोनों बार अलग अलग ना लिख के एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस और ये दोनों चीज़ें लिखना, इट इज़ ट्रू फॉर द बोथ ऑफ देम। ठीक है जी, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, इसमें लिखो वर्क डन फॉर, अब हम बात करेंगे वर्क डन फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल के लिए वर्क डन। ठीक है, ठीक है जी, अच्छा क्या होगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या आया था भाई अभी, माइनस पी डी वी, यही आया था जिसको हमने लिख लिया था, क्या माइनस एन आर टी एन आर डी, एक सेकेंड रुको। ठीक है, ये पी एक्सटर्नल समझो, और इस वाले केस में, इस पर्टिकुलर केस में जो पी एक्सटर्नल है, देखो रिवर्सिबल की बात हुई है ना, तो पी रिवर्सिबल इसमें पी जो गैस है उसके इक्वल होगा, है ना, दैट विल बी इक्वल टू के इन टू वी रेस टू गामा। तुम बोलोगे सर ये कैसे आया, देखो भाई पी वी रेस टू गामा, सॉरी पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट को मैंने के ले लिया। ठीक है, अगर ये है तो हम ये लिख सकते हैं, हाँ है ना भाई, पी इक्वल टू के बाई वी रेस टू गामा आ गया, यहाँ से आ गया। ठीक है, अब पी एक्सटर्नल की जगह ये रख दो, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी, पी की जगह क्या लिख देंगे हम, के इंटू माइनस के इंटू डी वी अपॉन वी रेस टू गामा। ठीक है, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहूँ डी डब्ल्यू, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस के वी वन टू वी टू, जैसे यहाँ पे है, और ये एक्सपेंशन की बात हो रही है ना, तो चाहे एक्सपेंशन हो कंप्रेशन हो आता सेम ही है, रिवर्सिबल की बात हो रही है ना। ठीक है, ये आ गया, अच्छा डी वी यहाँ पे लिख सकते हैं वी रेस टू माइनस गामा, ये तो लिख सकता हूँ मैं माइनस गामा इंटू डी वी। अब देखो भाई एक चीज़, क्योंकि तुम 11th स्टैंडर्ड में हो, तो आई एम प्रिटी श्योर कि तुम्हें किसी ने नहीं पढ़ाया होगा इंटीग्रेशन, ये तुम्हारा 12th का पार्ट है, लेकिन क्योंकि मुझे तो बताना है, अगर मैं सीधे फार्मूला लिख दूं तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, और अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आया तो मतलब मेरा पढ़ाना व्यर्थ है, है ना। तो कोशिश ये है कि सबको समझ में आए, जिसको ये अभी नहीं समझ में आ रहा है, मान लो कि तुम बोलोगे सर ये तो मतलब आपने इंटीग्रेशन समझाया लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया क्या है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आया तो जब तुम इंटीग्रेशन पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा, और आई एम प्रिटी श्योर कि तुम सब लोग जेई मेंस के लिए तो प्रिपेयर कर ही रहोगे। तो जेई मेंस में मतलब तुम्हें ये 11th के जो नोट्स हैं ये तुम्हें यू विल हैव टू रिवाइज दीज नोट्स, तो करना ही है ये, है ना। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो इंटीग्रेशन जब भी होगा इसका, इसको तो मैं सीधे सीधे डब्ल्यू लिख सकता हूँ, जब भी इंटीग्रेशन होगा इसका, तो इंटीग्रेशन कैसे होता है भाई, जो तुम्हारा एक सेकेंड बेटा, जो भी तुम्हारा इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन में इसकी जो पावर होती है उसमें प्लस वन कर देते हैं और उसी से डिवाइड भी कर देते हैं, जैसे वी रेस टू माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन, मतलब इसी की पावर से हम इसे डिवाइड भी करेंगे, तो पावर बढ़ जाती है इंटीग्रेशन में, और इसकी पावर से हम इसे को डिवाइड भी कर देंगे। यहाँ पे क्या आएगा, वी वन टू वी टू, अरे भाई तने के हो गया भाई ले। ठीक है जी, अब
ठीक है, ये आ गया। इसको लिख सकते हो माइनस के इंटू वी टू रेस टू वन माइनस, एक सेकेंड ना, इसको मैं वन माइनस गामा, तो गामा माइनस वन कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं अपॉन गामा माइनस वन कर रहा हूँ, ठीक है, ये गामा माइनस वन कर रहा हूँ। इसको माइनस को यहाँ नीचे ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। वी टू रेस टू वन माइनस गामा माइनस वी वन रेस टू वन माइनस गामा, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया तुम्हारा, ये यहाँ तक हम क्लियर है। अच्छा जी, अब ये आ गया, तो W इज इक्वल टू क्या जाएगा, K की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ये तो रख दूंगा मैं पी वी रेस टू, अच्छा पी वी रेस टू गामा की जगह ऐसे कर सकते हैं, इसको मैं पहले खोल लेता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को इस वाले में अलग रखना है, इस वाले में अलग रखना है। जैसे K इंटू वी टू रेस टू वन माइनस गामा अपॉन गामा माइनस वन माइनस के वी वन अपॉन गामा माइनस वन। अब तुम बोलोगे सर मैंने अलग अलग क्यों किया, ये क्यों किया सर, तो मैं बताऊंगा कि भाई जो k है एक केस में, क्योंकि ये v2 है तो मैं इसको p2 v2 लिखूंगा, है ना, मैं लिखूंगा इसको p2 v2 रेस टू वन माइनस गामा अपॉन सॉरी इंटू वन p2 रेस टू गामा इंटू v2 इंटू वन माइनस गामा, ठीक है, अपॉन गामा माइनस वन माइनस k की जगह, क्योंकि यहाँ पे v1 है तो यहाँ पे मैं k को लिख लूँगा p1 v1 रेस टू गामा इंटू वी वन रेस टू वन माइनस गामा अपॉन गामा माइनस वन, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है तो अगेन मैंने उनको साथ साथ जोड़ दिया, हालांकि अलग अलग लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, अगर मैं सिर्फ इतना कर देता तो भी चल जाता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे v2 है, दोनों को पावर प्लस हो जाएगी, तो गामा प्लस वन माइनस गामा, तो क्या जाएगा p2 इंटू v2 रेस टू गामा प्लस वन माइनस गामा, ठीक है, माइनस पी वन इंटू वी वन रेस टू गामा प्लस वन माइनस गामा, तो ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन, ठीक है जी, क्लियर इनफ, गॉट इट, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर तुम चाहो तो सेम चीज़ हम डेल्टा ई के टर्म्स में निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि डेल्टा सॉरी डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा ई, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू डेल्टा ई, और डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे क्या आएगा एन सी वी डेल्टा टी, या टी टू माइनस टी वन समझ लो, डेल्टा टी को टी टू माइनस टी वन, ठीक है। और जो टी टू है यहाँ पर जो सी वी है, सी वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, याद होगा तुम्हें सी वी वॉज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन, ये हमने यूज़ किया था अभी, है ना, इसकी जगह अगर मैं लिख दूँ क्या जाएगा ये एन इंटू आर टी टू माइनस टी वन अपॉन गामा माइनस वन, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि दिस इज इक्वल्स टू दिस, क्लियर होगी ये बात, एन आर टी टू माइनस टी वन अपॉन गामा माइनस वन, तो ये और ये, चाहे कोई सा भी फॉर्मूला चाहो यूज़ कर सकते हो, ये फॉर्मूला हो चाहे ये फॉर्मूला हो, ठीक है, दोनों के दोनों फॉर्मूले काम करेंगे, ये वाला फॉर्मूला इसके लिए, ये वाला फॉर्मूला इसके लिए, लेकिन दोनों तो इक्वल हैं, तो ये इक्वल टू ये हो गया, गॉट इट। तो ज़्यादा सोचने का नहीं, जैसे पी 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 टू वी टू है तो यहाँ पे पी टू वी टू कॉस्ट एन आर टी टी टू लिख सकते हैं, पी वन वी वन को एन आर टी वन लिख सकते हैं, तो भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, गॉट इट। एक मिनट टाइम कितना हो गया पहले देख लें भाई, हाउ मच टाइम हैज़ गॉन बाय, 110 हो गया भाई। बस एक और कर लेते हैं, है ना, तुम्हारा जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसको कर लेते हैं, ठीक है। देखो भाई, रिवर्सिबल प्रोसेस में मैंने क्या बताया था, एक्सपेंशन की बात हो रही थी तो इस पर ढेरी ऑलरेडी पड़ी हुई थी, है ना, देर वॉज द ग्रेन्स ऑफ सैंड वर ऑलरेडी देयर, ठीक है, आपने धीमे धीमे करके एक एक ग्रेन को हटाया और यहाँ वी वन से वी टू तक लेके चले गए, ठीक है जी, आर बी क्लियर अबाउट दिस। तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, ठीक है, ये रिवर्सिबल वाला है। अगर यही चीज़ मैं इरिवर्सिबल के लिए कर दूँ,
ठीक है, इरिवर्सिबल कल कर दो, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये तो होगा लेकिन ये ट्रू नहीं होगा, है ना, दिस विल नॉट बी ट्रू, हम इस चीज़ को नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दूसरा सहारा लेना पड़ेगा, हम W डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते लेकिन हम डेल्टा E के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, और डेल्टा E क्या है, ठीक है, इक्वल्स टू डेल्टा E, और डेल्टा E इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा T, ठीक है, तो एन सी वी इंटू टी टू माइनस टी वन। और तुम ये कह सकते हो कि सर ये तो दोनों में सेम आ रहा है, तो मैं कहूँगा हाँ बेटा लेकिन इसमें क्या होता है गामा माइनस वन सॉरी इंटू टी टू माइनस टी वन या फिर पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो रिवर्सिबल का प्रोसेस होता है ना, उसमें जो वर्क डन होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इरिवर्सिबल, एक्सपेंशन की बात हो रही है, और जब अगर उल्टा हो जाएगा तो एक्सपेंशन वाला जो सॉरी कंप्रेशन में रिवर्सिबल वाला जो वर्क है वो कंप्रेशन वाले वर्क से कम रह जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इसमें टेम्परेचर और प्रेशर्स का डिफरेंस आता है, तो रिवर्सिबली करोगे तो डिफरेंस आएगा, इरिवर्सिबली करोगे तो डिफरेंस आएगा, हालांकि फॉर्मूला सेम रहता है, फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, ठीक है, हालांकि फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, ठीक है, गॉट इट। तो उसमें लिख सकते हो, इनफैक्ट ये वाला जो ग्राफ बनाया था या सॉरी फिगर बनाया था ये था किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए। इरिवर्सिबल के लिए तुम क्या कर सकते हो, अगेन मैंने क्या कहा था, इसमें तुम्हें एक्सपेंशन करना है ना, तुमने एक डब्बा यहाँ पर एक मास रखा और फिर उसको जादू से उसको गायब कर दिया, गायब किया तो वो निकल गया यहाँ से और एक्सपेंशन हो गया इरिवर्सिबल सडन, ठीक। तो लिखो फॉर दिस, ठीक है। और अगर तुम चाहो एक और चीज़ है, ये तो मैं तुम्हें बताने नहीं भूल गया, DW जो है, DW को लिखने का हमने क्या बताया, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी है ना, ये सॉरी DV है, अगर मैं इसको क्योंकि पी एक्सटर्नल क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, तो हम यहाँ से भी इसको डिराइव कर सकते हैं, तो मैं बताना भूल गया तुमको, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी विच इज़ इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन। तो यूजली क्या होता है, पी एक्सटर्नल दिया होता है, ये सब नहीं दिया होता, तो हम एक सेकेंड रुको, नहीं तुम इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये गलत है, क्योंकि इरिवर्सिबल के लिए तो टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम जो होते हैं एकदम डिफाइन नहीं होते हैं, ठीक है। इनिशियल फाइनल के लिए डेफिनेटली होगा, उसको रहने दो, इस वाले फॉर्मूले को तुम याद रख सकते हो, पी एक्सटर्नल की जगह पे तुम लिख सकते हो पी, ये की जगह क्या आ जाएगा, पी एक्सटर्नल हो गया ना ये, तो इसकी जगह क्या ले सकते हो पी, हाँ ठीक है यार इतना रखो ना, क्या रखना है बस, ठीक है, क्लियर होगी भाई, आर टी टू अपॉन पी। एक मिनट यार मैं कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या, लेकिन वी वन वी टू फाइनल और इनिशियल के लिए तो हाँ ओके फाइन, जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना वो भी ट्रू है, क्यों, क्योंकि जब मैंने V1, P1, P2, V2, T1, T2 जो लिखा था वो इंटरमीडिएट स्टेट के लिए डिफाइंड नहीं है, लेकिन इनिशियल और फाइनल के लिए डिफाइंड है ही ना, हाँ तो आई वॉज गेटिंग कन्फ्यूज, V1 और V2 इनिशियल और फाइनल के लिए है तो वो दोनों के दोनों डिफाइंड है, इसी तरीके से P1, P2 भी डिफाइंड होगा, T1, T2 भी डिफाइंड होगा। यहाँ पे जो मैंने डेल्टा E के थ्रू फॉर्मूला लिखा था वो भी ट्रू है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो भी ट्रू है, ठीक है ना, बस ठीक है, इतना समझो इसको, चाहे तो तुम इसको ये लिख लो यार, पी एक्सटर्नल इंटू आर टी टू अपॉन पी टू माइनस आर टी वन अपॉन पी, बस इतना काफ़ी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर तुम्हारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है भाई, है ना। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर तुम देखो, एक्सपेंशन वाले पार्ट में मैंने दोनों को दोनों करा दिए, दोनों में फॉर्मूले सेम आ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि जो तुम्हारा रिवर्सिबल वाले में था उसमें टेम्परेचर और प्रेशर का डिफरेंस आता है, वो मैं समझाऊंगा कैसे आ रहा है,
इस वजह से जो वर्क होता है वो डिफरेंट आता है, फॉर्मूला सेम है लेकिन वर्क डिफरेंट आएगा। एक्सपेंशन के केस में जो वर्क होगा रिवर्सिबल वाला वो इरिवर्सिबल से ज़्यादा होगा, लेकिन कंप्रेशन के केस में इरिवर्सिबल वाला जो वर्क है वो रिवर्सिबल से ज़्यादा होगा। ठीक है जी, क्लियर इनफ? ओके चलो ठीक है, ओके बाय बाय, टेक केयर।